रोज एक कहानी। टेल्स ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां। करामाती कबूतर। करामाती कबूतर बड़ के वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक कबूतर रहता था। उसकी एक बात बड़ी अनोखी थी, वो जब बीट करता था तो वो सोना बन जाती थी। एक बार शिकार की तलाश में एक शिकारी उस पेड़ के पास आ निकला, तभी कबूतर ने बीट कर दी। देखते ही देखते वो सोना हो गई। शिकारी ने देखा तो देखता ही रह गया। मेरा सारा जीवन शिकार करते ही बीता है, पर मैंने ऐसी विचित्र बात कभी नहीं देखी है। शिकारी ने सोचा, पक्षी की बीट सोना बन जाए, ऐसे पक्षी को तो जैसे भी हो फंसाना ही चाहिए। उसने वृक्ष पर जाल फैला दिया, वो कबूतर उसमें फंस गया। शिकारी उसे पिंजरे में डालकर घर ले आया। घर आकर उसने सोचा, अगर राजा को ये बात मालूम हो गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, कहेगा कि ये कबूतर मैंने उसके पास क्यों नहीं पहुंचाया। डरकर उसने वो कबूतर राजा को भेंट कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे सोने की बीट वाला करामाती पक्षी जो मिल गया था। उसने आज्ञा दी, इस पक्षी के खाने पीने का, हर आराम का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। मंत्री ने जब देखा कि एक मामूली कबूतर के लिए खास नौकर चाकर रखे जा रहे हैं, अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है, तो उसने राजा से कहा, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहिए। महाराज ने कहा, आप कैसे जानते हैं कि यह सचमुच सोने की बीट करेगा? ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। शिकारी की बात पर यूं ही विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। राजा ने सोचा, मंत्री ठीक कह रहा है, भला कबूतर सोने की बीट क्यों करने लगा? मैं भी शिकारी की बेकार बातों में आकर मूर्ख बन गया। उसने आज्ञा दी, इस कबूतर को छोड़ दिया जाए। कबूतर को छोड़ दिया गया। छूटकर कबूतर महल के मुख्य द्वार के ऊपर जा पहुंचा। छूटकर कबूतर महल के मुख्य द्वार के ऊपर जा बैठा और वहां उसने सोने की बीट कर दी। पहला मूर्ख तो मैं था जो शिकारी के जाल में फंसा, दूसरा मूर्ख था शिकारी जिसने मुझे राजा के हाथ में दे दिया, और फिर ये राजा और मंत्री कम मूर्ख नहीं थे जिन्होंने घर आए सोने को ठुकरा दिया। इतना कहकर वो करामाती कबूतर फुर्र से उड़ गया। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पीट लिया। मगर अब क्या हो सकता था, सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या लाभ। इसीलिए किसी की बातों में आकर सही गलत का फैसला नहीं लेना चाहिए, खुद के विवेक का उपयोग भी करना चाहिए। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।